तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, लास्ट एपिसोड हम लोग छोटू को बचा लिए थे उस खतरनाक स्केलेटन वाले बॉस से। दिमाग खराब, कितना घटिया बॉस था वो। तो गाइस, जैसे कि देख सकते हो, वो रहा छोटू। उसको मैंने इधर से हटने नहीं दिया, इधर ही रहने दिया। बोला कि तू इधर से हटेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि गाइस, मुझे इसको और एक बार नहीं बचाना, एक बार ऑलरेडी बचा चुका हूँ, मेरे को और नहीं बचाना भाई साहब। बहुत खतरनाक, लास्ट टाइम लोग क्या खतरनाक हो गए। इतने बड़े बॉस से फाइट किए, इतने बड़े जाके गार्ड से फाइट किए, उसके बाद जनरल्स, यार कुछ भी नौटेंगी है। तो हम लोग ने बहुत कुछ किया इसको बचाते हुए, छोटू को। तो हम लोग छोटू को इधर ही रहने देंगे, इससे इधर से हटने नहीं देंगे उसको कभी भी। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। तो गाइस, हम लोग के घर में विजिट करने नया बंदा आ रहा है, जो आपको पता ही होगा कौन है, टाइटल में देख ही लिए होंगे अपने। तो गाइस, आज हम लोग उसको लेने जाना है। उसको बोला था कि वो उस साइड से आएगा, तो हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम लोग आर्मर बना लेते, क्योंकि हम लोग गन लेके जाने में अच्छा नहीं लगता हर टाइम, क्योंकि गन कुछ मॉडर्न टाइप का हो गया। हम लोग सर्वाइवल एरिया में है, तो हम लोग को सर्वाइवल टाइप का कुछ लेना चाहिए। तो गाइस, ऑलरेडी पप्पू को बोल के सारा मैंने बुक्स वुक्स मंगा लिया, उसके बाद एक्स, अपना आर्मर सब मंगा लिया उससे। तो हम लोग ये पहले हम लोग बना लेते हैं। पहले हम लोग आई थिंक डायमंड हेलमेट पहले पूरा बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा कुछ बनाएंगे। बस हम लोग बनाते रहते हैं। ब्रो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्या नोटिंग की है। हम लोग का एक्सपी बॉटल भी है, उसके बस भरोसा कुछ ख़राब नहीं है ऐसे भी। तो हम लोग आराम से एक्सपी मारते हैं, और ये मेरा परफेक्ट कॉर्नर है जहाँ पे मैं एक्सपी मारता हूँ बस। तो हम लोग को कितना चाहिए, आई थिंक अनब्रेकिंग मारो 13, बेंडिंग के लिए कितना चाहिए 33। ब्रो तो गैस, जल्दी से हम लोग 33 बना लेते हैं। तो गैस, आज सैंडी के माइनक्राफ्ट टिप्स में आपको पता है नए कुछ हम लोग सिखाने वाले हैं, जो कि है जैसे कि मैं बता रहा था, एक्सपी अगर आपको यूज़ करना है और इंचारमेंट करना है, तो मेक श्योर आप कैसे करके जितना एक्सपी मांग रहा है उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जितना ऊपर जाओगे, जैसे आपको मतलब 1 लेवल से 2 लेवल जाना है, तो सोचो कि 10 एक्सपी चाहिए, उसके 2 लेवल से 3 लेवल 20 एक्सपी चाहिए, ऐसे करके। तो मतलब 10 मल्टीप्लाई होता रहता है, तो जितना ऊपर जाओगे, सोचो कि 100 बनाना है मेरे को एक बार में करना है, तो आप वो पागलों जैसा काम करो वो मत। जैसे ये चेस्ट प्लेट और प्रोटेक्शन डाले 4 चाहिए हम लोग को, हम लोग बस 4 ही जाएंगे। 5 जाएंगे तो उसके बाद 5 जाएंगे तो मतलब जैसे होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हम लोग को ज़्यादा बॉटल चाहिए, जैसे कि आप लोग को पता ही चल रहा है 13। उसके बाद हम लोग को इतना कितना चाहिए 4, और मेंडिंग भी चाहिए मुझे, तो 13 4 हम लोग 15 डायरेक्ट 17 नहीं करेंगे, तो हम लोग आधा आधा जाएंगे, पहले 13 करेंगे, नहीं तो 4 करते उसके बाद 13 करेंगे। परफेक्ट, ये आइडिया खतरनाक है मेरा। तो अगर मुझे नहीं लगता कि मैं टाइमलेस टोटल डाल पाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग गया। तो जैसे कि देख सकते हो, टोटल हम लोग ने कर दिया, जल्दी से मैं ले लेता हूँ सब कुछ। और मैंने इलाइट्रा लिया, अबे यार क्या नोटिंग की, मैंने उसको इलाइट्रा लाने बोला पर फायर वर्क लाने बोलना मैं भूल ही गया। दिमाग खराब, क्या उड़े खाक उड़ेंगे हम लोग, पर कोई नहीं। अब खतरनाक माइनक्राफ्ट लग रहे हैं असली वाले। तो कैसे, आपको टाइटल से पता ही होगा क्या कौन आने वाला है। तो जैसे कि डोरेमोन उसी के साथ आने वाला था, पर वो आ नहीं पाया, पता नहीं क्यों, अभी तक तो आने जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। तो हम लोग उसको खोजने जाते हैं, आई थिंक रास्ते में कुछ हो गया होगा, नहीं तो कुछ परेशानी होगा आई गेस। तो इस साइड से आएगा वो बोला, तो हम लोग इधर से जल्दी जल्दी जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया होगा। कहाँ है डोरेमोन भाई, रास्ते में से कुछ देख भी नहीं रहा। बड़े वाले जगह मस्त रहता है वो गाइस। अब इधर घर कब आया, इस जगह तो कोई रहता नहीं था मेरे को अलावा। वे तो कुत्ता भी क्या कर रहा, उसका पूछ नीचे आई गेस, किसी ने उसको डैमेज दे रहा होगा कोई ना कोई। किसका घर है वो, तेरी गाइस, क्या खतरनाक घर है। प्रो फैन भी लगा हुआ है, लाइट भी, टीवी, बेड, सब कुछ है। और ये हैच क्या कर रहा है, ओ कैसे स्टेयर लगा के रखा है। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा वाला स्टेयर होगा, क्योंकि ऐसे कौन स्टेयर लगाता है, कोई दिमाग वाला बंदा तो लगाएगा नहीं ऐसे करके। जा क्यों नहीं रहा अभी, मैं जाऊँ कैसे, वो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई। कितना टाइम लग गया ऐसे जाते हुए, दिमाग खराब। ओ गाइस, ये क्या नौटंकी है, ये लोग क्या कर रहा है इधर, करना क्या चाहते हैं इन लोग को इधर तो आना नहीं चाहिए, पर इन लोग कर क्या रहा है इधर। मॉब नाम क्या रखा है ब्रो, मेरे को पता ही नहीं तुम लोग मॉब जैसे कि ले, कितने सारे ख़त्म कर दूंगा। तुम लोग इधर रहने का हक किसने दिया, मेरा घर है, मेरा एरिया टोटल। दिमाग खराब, पता नहीं अभी मैंने क्या दबा रहा हूँ। ओए ओए, मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, जा बे, चल हवा आने दे। चलो गाइस, कोई नहीं, एक्सपी तो मिल गया हम लोग को। अभी ये जगह दरवाज़ा भी है, ओह नहीं गाइस, विद स्केलेटन है इस जगह। अभी विद स्केलेटन क्यों है इस जगह, देख नहीं पा रहा क्या, देख लिया, दो विद स्केलेटन, पता नहीं क्यों इन लोग ने डाल के रखा है इस जगह। कुछ ना कुछ तो हुआ, इतना सारा उसको डिस्कलेटिंग क्या कर रहा है ब्रो, ये लोग क्या पार्टी वाड़ी कर रहे हैं भाई, मेरे को भी बताया नहीं किसने, मेरी एरिया में आके मुझे बिना पार्टी के कर रहे हैं इन लोग। ओ मैं बच गया, जल्दी तुम लोग ख़त्म करता हूँ यार, तुम लोग अनडेड हो ना, इधर से कहा ब्रो, मेरे से पंगा लेगा यार, क्या खतरनाक मैंने खेला यार सीरियसली।
ओ नहीं, सॉरी सॉरी, लावा भी है, मैं तो भूल ही गया, मैं ऐसे जंपिंग जंपिंग कर रहा हूँ। अबे इन लोग अंडेड नहीं है, कैसे करके निकला ब्रो, स्लाइस जैसा हो गया। चल खत्म हो जा सारे। अभी मैं इसको ए ही यूज़ करता हूँ यार, दिमाग खराब, क्योंकि एक्स अच्छा है, एक्स अंडेड के लिए अच्छा है, पर ये अंडेड नहीं है ना, झमेला ही हो गया। क्या करेगा अबे मॉब, बस मेरे को लावा से बचना है। और कहाँ पे बच्चे बच्चे ना, दिमाग खराब कहाँ पे अबे ब्रो, पता ही नहीं चल रहा। और चलो गाइस हो गया खतरनाक, अभी वो रहा डोरीमोन, डोरीमोन पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया ब्रो, क्या नोटिंग कि मेरा डोरेमोन वो रहा, सारे मिले कब्जा कर लिया। ओ नहीं, हट यार, जल्दी हील करो। चलो बच गए, वेट करते हैं बाहर, चलो फाइट। नहीं, भागो भागो, ले एक्स का प्रो 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 डॉच। अभी इस जगह भी एक है, क्या नोटिंग किया है मेरे बेचारे डोरेमोन, तो रुक मैं जाता हूँ, लास्ट खत्म करना है। ओ एक डोरेमोन कैसा है ब्रो, आई थिंक बोल नहीं पा रहा, पर कोई नहीं, तू आ इधर डोरेमोन, तू रास्ते से आ, तेरे को रास्ता दिखाता हूँ। यार तेरे को पकड़ कैसे लेते, तू पकड़ से गैजेट क्यों नहीं निकाला, कुछ ना कुछ गैजेट निकालता तो कुछ नहीं होता। अबे निकल क्यों नहीं पा रहा है, छोटा हो गया क्या, क्या नोटेंगे इसका सर भी। अबे यार चल आ जा डोरेमोन, अब तो आ सकता है, दिमाग खराब डोरेमोन ही पागल यार, निकल नहीं पा रहा था दरवाजे में, आई थिंक ये दरवाजे से निकल नहीं पा रहा है, पर कोई नहीं, चल चल बाहर निकल जल्दी। सही है, दरवाजा बंद करो, उसका दम उसको लेके ऊपर चलते हैं। अब मैं कैसे ऊपर जाऊँ, कैसे करके लगा हुआ है। तो गाइस डोरेमोन आ चुका है, क्या बात है डोरेमोन, कैसा है ब्रो। ओ भाई सब, मैं पैक राइस भी ले सकता हूँ, बहुत परेशानी कर रहा है यार ये लोग, दिमाग खराब, ये मैं स्लीप खा रहा हूँ, बस स्लीप हो रहा हूँ मैं, दिमाग खराब, चल भी नहीं पा रहा ठीक ठाक। खत्म कर दो, जब कोई चीज़ चलता नहीं है तो खराब कर देना, पर मैं कर क्यों रहा हूँ। अभी सॉरी डोरेमोन, अभी यार इसको मैं खराब करके रख दिया फालतू। चल डोरेमोन तेरे को मैं घर दिखाता हूँ, आहिस्ता यो कोई ना पकड़े, इसको देख के जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई फिर से उठा लिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। आजा आजा आजा, देख के आ देख के आ, मेरा घर बस इस साइड है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तू चल बस। अभी मुंह भी बंद कर ले डोरेमोन पागल इंसान, पर इसको बहुत खुशी हो रहा है, अगर शायद मैंने बचा लिया आई थिंक, तो इसको हंसने देते हम लोग। मच्छर मच्छर घुस गया तो आई थिंक इसके मुंह में स्प्रे मार दूंगा, नहीं तो अपने पॉकेट से निकाल लेगा कोई ना कोई गैजेट, अपने पॉकेट से मोर्टिन निकाल लेगा तो हो जाएगा। तो कहीं चलते उसको घर दिखाते हैं हम लोग आराम से, जल्दी जल्दी आते। तो कहीं डोरेमोन जैसा देख पा रहा है हम लोग का प्लेन, पता नहीं मैंने प्लेन कहाँ रख दिया है, पर जो भी हो प्लेन में बाद में दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरे बाइक का कलेक्शन डोरेमोन, जैसे देख सकते हो गराज है मेरा टोटल खतरनाक वाला गराज। अबे डोरेमोन कहाँ गया बे, वो ये रहा तू ही कहाँ है, दिमाग खराब मिल भी नहीं रहता। तो ये देख रहा है ये मेरा गराज है टोटली, और गराज के अंदर जैसे कि देख पा रहा मेरे बाइक कलेक्शन खतरनाक खतरनाक बाइक्स है। उसके बाद ओ आई थिंक ये दरवाजा है, ये रिकोगनाइज नहीं करता, पर कोई नहीं। और ये रहा मेरा कार कलेक्शन, क्या खतरनाक कार कलेक्शन है, देख सकता है तेरे को अच्छा लग रहा है ना, हंस रहा है आई थिंक सही है। ये मेरा वर्कशॉप, और इधर आ इधर आ, और ये रहा मेरा खतरनाक मैंशन, देख पा रहा है क्या खतरनाक है ये, इसमें तेरा घर बना देंगे नेक्स्ट दिन, पर अभी के लिए तू इधर रह सकता है, कोई भी रूम में ले ले रख देगा। ये मेरा जेस की है, इधर आ इधर आ, और अगर तेरे को रहना तो इस जगह भी रह सकता है, पता है तेरे को डोरेमोन। अबे देख रहा है वो घर, ये तो देख पहले, हाँ इसमें भी रह सकता है तू, नाइस। चला मेरे पीछे पीछे, ये रहा मेरा एंट्रेंस। अभी यार ये सब दरवाजा चलता नहीं इसके लिए, पर कोई नहीं, बाद में मैं देखता हूँ कि कैसे करूँ मैं ठीक किया जाए इसको, इसको इसको पुराने वाले दरवाजे चाहिए, पर कोई नहीं मैं तेरे को पुराने वाले दरवाजे दे दूंगा, टेंशन मत ले। तो डोरेमोन जैसे कि देख रहा है ये मेरा लिविंग रूम है, ये ऐसे टीवी देखने का रूम, मैं ऊपर से आया तेरे को ऊपर से आने का छोड़ दें, तू नीचे से भी आ सकता है, दिमाग खराब डोरेमोन पागल। ये जैसे कि देख पा रहा है ये छोटा सा रूम है, इसी की स्टडी कर सकता है तू, ये हम लोग का छोटा सा स्विमिंग पूल है, तेरे को मन तू भी जा सकता है अंदर अंदर अभी। तो डोरेमोन ये छोटा सा पूल है, तू आ सकता है, अभी तू नीचे का ही गिर गया। अबे डोरेमोन तू इधर आ इधर आ, तेरे को बाद में वो दिखाता हूँ मैं, अगर तेरे को नीचे पहले देखना है तो कोई बात नहीं, ये मेरा फायर पिट एरिया है, तेरे को जाना है तो जा। भैया तू नीचे खाए जा रहा है, इस जगह ये रहा इस जगह इस जगह। अब यार इसको नीचे देखना है, दिमाग खराब कितना खंचकर बंदा है। हाँ तू इधर से गेम वेम खेल सकता है, तेरा गेमिंग रूम है पता है मुझे, पर तू इधर आ। ये रहा हम लोग का छोटा सा जो समुंदर वाला एरिया है, जैसे कि देख सकता है इस जगह। हाँ जैसे कि आ गया तू, ये तेरे को अगर बेडरूम चाहिए तो तू ले सकता है, तेरी मर्जी, कुछ नहीं कहूँगा, तू ऊपर आ। और ये देख यार क्या नोटिंग, ये इसको देखना ही नहीं, आई थिंक इसको टूर नहीं चाहिए, ऑलरेडी बहुत खुश है। चल चल नीचे चल नीचे चल यार, दिमाग खराब
तेरे को डोरा केक बना के देता हूँ मैं। डोरा केक का नाम लिया, उधर से कितना जोर से भाग के आ गया, दिमाग खराब, खतरनाक बंदा है ये। तो गाइस नेक्स्ट डे मैं इसके लिए और एक घर बनाऊंगा। कहाँ गया बे यार दिमाग खराब। तो नेक्स्ट डे मैं इसके लिए घर बनाता हूँ गाइस, इस जगह आई थिंक इस जगह बनाऊँ। ओ गाइस ये रहा, इस जगह हम लोग उसके लिए घर बनाएंगे। ये छोटा सा एरिया है, स्टोरेज एरिया, पर इसका हम लोग चाहिए नहीं, ये इसके लिए रखेंगे। इसको अपना स्टोरेज वोरेज चाहिए तो सही बात है। और इसके लिए हम लोग ये घर बनाएंगे, इसी का रूम बनाएंगे, खतरनाक सा अच्छा लगेगा। यार मैं तो फंस गया। तो गाइस आई होप तू, यार तेरे को बहुत पसंद है, मेरे को पता है यार, पत्ते पसंद है इसको। यार तेरे रूम में लगा दूंगा पत्ते, दिमाग मत चाट। ओके गाइस आई होप आप लोग को आज का एपिसोड पसंद आएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए, बाय बाय।